वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पुराने ब्रिज पे भी कंटेनर लगा रहे हैं, ब्रिजेस का सत्यानाश कर रहे हैं, और अभी आगे चलते हैं कि इन्होंने और क्या तबाही की है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी शॉकिंग। पार्स इसराइल अमगीर से जी, तो आप कहाँ तक जाना है आपने? हमने दीना तक जाना। कहाँ? दीना तक। दीना तक, दीना वहाँ से आगे तो मिल जाएगी ना आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ इसराइल अमगीर पे रुके हैं। ये देखिए ना, ये क्या मुसीबत है लोगों को पड़ी हुई। ये जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो दैट्स वेरी। चले नहीं, अल्लाह आपको अच्छे तरीके से ले जाए। नवा पाकिस्तान अच्छा नवे पाकिस्तान तो तुसी काफी मुतासर हो। नुकसान ब्रिज ते अगर खड़े रहने ते अवर लिमिट है, इसकी लायक पूरी है। ये जेड़ा ने किसे टाइम तो पाकिस्तान अक्सर है इमरान आया ते तबाही आई है। तकरीबन आधा ब्रिज इन्होंने कवर किया हुआ है। पता नहीं क्या मंतक है या इनकी इंटेंशन ही ये है कि ब्रिज का बेड़ा गर्क किया जाए। और ये मैं जा रहा हूँ अभी सराय आलमगीर की तरफ, तो आप देखें क्या सूरत नजर आ रही है आपको। लोग तो बदहाल हैं ही, लेकिन ये है ऑपरेशन के बाद भी जो ये नुकसान होगा ब्रिजेस का, तो ये तो हमेशा के लिए रहेगा। ये पुराने ब्रिज पे भी कंटेनर इन्होंने लगा रखे हैं जिनका बहुत ज़्यादा लोड है, और ब्रिज तो डेफिनेटली डैमेज हो रहा है। तो इन्हें ज़रा पुल से ज़रा दूर भी खड़ा किया जा सकता था। यहाँ इनको खड़ा करने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। बल्कि अभी भी आप देखें कि ये अगर आप देखें किस कदर वज़न है इनका, और यही काम उन्होंने वहाँ भी किया हुआ है, नए ब्रिज पे भी। ये नया ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, सारे ब्रिज पे बड़े हैवी लोडेड ट्रालर इन्होंने वहीं पे स्टे किया हुआ उनका, और ब्रिज पर मुसलसल वज़न पड़ने से ब्रिज तो डेफिनेटली तबाह बर्बाद हो जाएगा। यह बजाय इसके कि ये सारा वज़न यहाँ डालने की आगे ले जाए ना, ब्रिज पर क्यों उन्होंने इंस्टॉल कर दिए सारे इस तरह, तो बड़ा दुख होता है ये सारा कुछ देख के। ये अभी मैं पुराने ब्रिज से हूँ तस्वीर, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लेकिन ये वैसे आपको दिखा रहा हूँ।